नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है, डिजिटल सेवाओं में सुधार का समय क्यों आवश्यक हो रहा है, उसी पर लिखा गया है। तो देखेंगे किस संदर्भ में भी लिखा गया है और बात करेंगे डिजिटलीकरण में इंटरनेट का महत्व क्या है, अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया में क्या महत्व है उस पर भी बात करेंगे। डिजिटल और भारत के समक्ष, डिजिटल भारत के समक्ष चुनौतियां समस्याएं क्या क्या हैं और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में सरकार क्या प्रयास कर रही है उसे भी देखते हैं। यानी कि आप लगभग लगभग जितने भी सवाल होंगे सभी के जवाब मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। डिजिटलीकरण के दौर में इंटरनेट संचार और सूचना प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। दशकों पूर्व इंटरनेट तक पहुंच को विलासिता का सूचक माना जाता था, परंतु वर्तमान में इंटरनेट सभी की जरूरत बन गया है। इस बात को आप भी जानते हो कि इंटरनेट अगर नहीं है आपके पास तो आपको लगेगा कि जैसे आप दुनिया से कट ही चुके हैं। इसकी उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान प्रभावित लोगों तक प्रशासनिक मदद व खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य भी प्रभावी रूप से डिजिटल माध्यम के द्वारा किया गया जा रहा है। एक सत्य यह भी है कि इस वैश्विक महामारी से विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। विशेषज्ञों द्वारा कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहा है। भारत की भी आर्थिक विकास दर में तीव्र गिरावट हुई है। समझ में आया? कोई देश, मुझे नहीं लगता है कि कोई देश छूटा हुआ है इसकी चपेट से, कोरोना वायरस की। सभी देश झेल चुके हैं। अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित है, आपने देखा ही है सबने, ठीक है। ऐसी विकट परिस्थिति में जब अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, तब डिजिटल सेवाओं का क्षेत्र ऐसा है जिसने सकारात्मक प्रदर्शन किया है। अब यह स्पष्ट है कि डिजिटल सेवाएं 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं। जब राष्ट्रीय या फिर वैश्विक आपात स्थिति में वाणिज्य के अधिक पारंपरिक तरीके बाधित होते हैं, तब डिजिटल सेवाएं निर्मित हुए ऐसे अंतराल को भरने में सफल रही। डिजिटल सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं, खुदरा वितरण से लेकर वित्तीय सेवाओं तक कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उत्पादों की पहुंच और वितरण को सक्षम बनाती हैं। क्या डिजिटल सेवाएं? बात करते हैं डिजिटलीकरण में इंटरनेट का क्या महत्व है आखिर। इंटरनेट संचार हेतु एक अमूल्य उपकरण है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंटरनेट की उपलब्धता ने वर्तमान युग में संचार को काफी आसान और सुविधाजनक बना दिया है। इंटरनेट ने दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर शिक्षा का विकल्प खोल दिया है जिनके पास अब तक इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब आप समझिए कि वो व्यक्ति भी किसी भी सिविल सर्विस हो, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, तैयारी कर सकता है जिसके पास एक एंड्रॉयड फोन हो, स्मार्टफोन और नेट उपलब्ध हो। और मुझे लगता है कि अब हर किसी के पास इतना उपलब्ध है। अब वो किस तरह से उसका यूज करता है, बेहतर तरीके से या फिर नहीं करता है, वो उस पर निर्भर करती है। लेकिन आप समझिए कि आप सभी नोट्स हो, कोई भी लेक्चर हो, किसी भी परीक्षा से संबंधित सब उपलब्ध है। यूट्यूब पर, गूगल पर सब नोट्स उपलब्ध हैं। लेकिन अब आपको देखना है कि आखिर पढ़ना क्या क्या है आपको। उपलब्ध तो सब कुछ है आपके पास, बस आपको ही उनमें से चुनना है कि क्या पढ़ना है। जैसे आप मोबाइल का यूज समझ सकते हैं कि एक अच्छा यूज है, एक गलत यूज है। अब आपको चुनना है कि अच्छा, अच्छी तरह से यूज करना है फोन का और इंटरनेट का, या गलत तरह, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से सूचना के क्षेत्र में भी एक मजबूत क्रांति देखी गई है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना को कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। सूचना तक आसान पहुंच के कारण आम लोग अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हुए हैं। सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से सरकार की लागत में कमी को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। यह राजनीति और लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने में भी मदद करता है। सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से सरकार की लागत में कमी को भी सुनिश्चित किया गया है। यह सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है, साथ ही सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में भी यह सहायक
हो सकता है। समझ में आए? अब आप सोचिए, मनरेगा का जो भी पैसा आएगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, इससे बीच में जो खा जाते थे आपका पैसा वो भी बच के रहेगा। और मुझे लगता है कुछ दिन में हर देश में ऑनलाइन वोटिंग होने लगेगी पूरी तरह से, कि आपको बूथ पर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर से ही डाल दीजिए। अब वैसे शिक्षा तो हो ही गई है कि आप घर से बैठकर पढ़िए ऑनलाइन, ठीक है? तो इस तरह की मुझे लगता है बहुत बदलाव होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, COVID-19 से पूरी तरह से दुनिया बदल चुकी है। एक तरह से जिस तरह से पहले चलती थी उसका बहुत काफी हद तक बदलाव हो चुका है। पहले आपने देखा होगा हाथ नहीं धोते थे आप लोग, आते थे और घर में चले जाते थे। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि कहीं भी जा रहे हैं तो दिन में 10 से 12 बार हाथ ही धोए जा रहे हैं, तो एक अच्छी है ना। अभी कोई हर कोई मुंह खोलकर बाहर घूमता था, अब कम से कम मास्क लगा के जा रहा है, कम से कम बदलाव तो आया है। समझ रहे? अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया। भारत ने वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कई बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। वस्तुतः इन बाधाओं को डिजिटल सेवाओं में वृद्धि कर दूर किया जा सकता है। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान भी डिजिटल सेवाओं में निवेश वैश्विक स्तर पर जारी है। वर्तमान में डिजिटल सेवाओं में प्राप्त होने वाले निवेश किसी अन्य क्षेत्र के सापेक्ष सर्वाधिक है। भारत डिजिटल क्षेत्र में बढ़ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य है। इसकी विशाल जनसंख्या इसे अभिनव घरेलू स्टार्टअप के लिए निर्विवाद क्षमता प्रदान करती है। विमुद्रीकरण के बाद से ही सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में देश में डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस जैसे मिशनों को तेजी से लागू किया जा रहा है। इन प्रयासों में COVID-19 महामारी एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि आम जनमानस में संक्रमण से बचने के लिए डिजिटल सेवाओं के उपयोग हेतु जागरूकता में वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं डिजिटल भारत के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। विगत कुछ वर्षों में कई निजी और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है, जिनमें से कुछ तो सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं, जिसके कारण उन लोगों को असमानता का सामना करना पड़ा है जो डिजिटली निरक्षर है, यानी कि जो नहीं जानते हैं, मोबाइल के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, इंटरनेट के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, उनकी बात की जा रही है, वो इससे प्रभावित होंगे। आप समझिए कि आपके पास फोन है, आप अच्छे ज्ञाता है फोन में, अच्छे गाए को आपका काम चलना चाहिए। आप क्या करते हैं, स्टेशन पर जाते हैं और देख लेते हैं कि ट्रेन कितना टाइम लग रहा है यहाँ तक आने में और कहाँ है अभी। और कई लोग क्या होते हैं, जो निरक्षर होते हैं, नहीं पढ़े लिखे होते हैं, वो आपने देखा होगा ऐसे देखते हैं दूर से कि ट्रेन उनके देखने से आ गई हो, मतलब झुक झुक के नहीं देखते हैं कि कोई भी ट्रेन आती, उठ के देखते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब इन पर असर पड़ेगा जो निरक्षर है। किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन का होना डिजिटल होने का प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति स्मार्टफोन का उपयोग करता है तो भी वह डिजिटली सेवी नहीं कह सकता है, जब तक कि उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो और इंटरनेट पर प्रासंगिक और समय पर जानकारी प्राप्त करना ना जानता हो। और आप समझिए कि सबके पास फोन है लेकिन सब डिजिटल नहीं है। समझ रहे हैं? एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार नीतियों में अस्पष्टता व ढांचागत कठिनाइयों के चलते महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया परियोजना के सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के मामले में अनेक चुनौतियां हैं। इसके अलावा बार बार इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट जाना या फिर सर्वर का ठप हो जाना भी कठिनाइयां पैदा करता है। भारत में अधिकांश मोबाइल व इंटरनेट उपयोगकर्ता शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि भारत की कुल आबादी का 67%, यानी कि एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ढांचागत विकास में हो रही देरी है। एक अनुमान के अनुसार भारत को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 80 लाख से अधिक वाईफाई हॉटस्पॉट की जरूरत होगी, जबकि इस समय इनकी उपलब्धता बहुत कम है। टैक्सेशन व अन्य नियामकीय दिशा निर्देशों से जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी डिजिटल इंडिया की राय में बाधा बन जाते हैं। कुछ सामान्य नीतिगत बाधाओं में भी एक FDI नीति में स्पष्टता का अभाव भी है, जिसने ई कॉमर्स सेक्टर के विकास को प्रभावित किया है। नीतिगत ढांचे में
अस्पष्टता के कारण ही उबर और ओला जैसी परिवहन सेवाएं कंपनियां बार बार स्थानीय सरकारों से विवाद होता है इनका। भारत का मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी कानून साइबर अपराधों को रोकने के लिहाज से बहुत ही प्रभावी नहीं है। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग के अलावा बैंक अकाउंट का हैक हो जाना, आपका डाटा और गोपनीय जानकारी हैकर्स तक पहुंच जाने की शिकायत समय समय पर सामने आती रहती है। ऐसे में जब तक साइबर अपराधों को लेकर कानून में कठोर प्रावधान नहीं बनते तब तक डिजिटल इंडिया को वह रफ्तार नहीं मिल पाएगी जो अपेक्षित है। और आप समझिए, आप खुद नहीं जुड़ना चाहेंगे जब तक आपको मालूम ना चले कि आपकी जो भी डेटा है वो सुरक्षित नहीं है, आप खुद डर के काम करेंगे। यह सवाल बार बार उठता है कि क्या इंटरनेट पर हमारी जानकारी और पहचान सुरक्षित है। देश के मौजूदा कानून के मुताबिक सभी सर्विसेज प्रोवाइडरों को अपने इंटरनेट और मोबाइल ग्राहकों की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को देनी होगी होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्वयं को केवल इंटरनेट ग्राहक तक पहुंचाने का हाईवे मानते हैं। उनका कहना है कि इंटरनेट यूजर के मेल या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पर दी जाने वाली दी जानकारी केवल विदेशी कंपनियों के सर्वर में होती है, भारत में उसे डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन को बढ़ावा देकर भेजने वाले और पाने वाले के बीच डेटा को सुरक्षित बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं डिजिटलीकरण को बढ़ाने में देश अपनी सरकार ने जो प्रयास किए हुए क्या किया किए हुए देख लीजिए। भारत कार्यक्रम, भारत नेट कार्यक्रम, इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिक एवं संस्थाओं को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी कि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना। भारत नेट परियोजना के तहत 2.5 यानी कि 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना। इसके तहत ब्रॉडबैंड की गति 220 एमबी पर सेकंड तक निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, कौशल विकास केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किया गया। इस परियोजना का वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा किया गया है। फिर आपकी राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से की हुई है। इस परियोजना का उद्देश्य तकनीकी दृष्टि से निरक्षर वयस्क की मदद करना है ताकि वे तेजी से डिजिटल दुनिया में अपना स्थान खोज सके। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 प्रत्येक नागरिक को 50 एमबी पर सेकेंड की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, इसके लिए अभी बहुत दूर है हम, ठीक है। सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1 जीबी पर सेकेंड और वर्ष 2022 तक 10 जीबी पर सेकेंड की कनेक्टिविटी प्रदान करना। राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना। ऐसे क्षेत्र जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। डिजिटल संचार क्षेत्र के लिए $100 बिलियन का निवेश आकर्षित करना। फिर आपका डिजिटल नवाचार का केंद्र बन रहा है भारत। डिजिटल इंडिया देश में डिजिटल तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक डिजिटल आधारभूत ढांचा खड़ा करते हुए डिजिटल सशक्तिकरण का माध्यम बन रहा है। एक ऐसे विश्व में जहां अब भौगोलिक दूरियां बेहतर भविष्य के निर्माण में कोई बाधा नहीं रह गई है, भारत हर क्षेत्र में डिजिटल नवाचार का सशक्त केंद्र बन चुका है। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े 1 लाख से अधिक गांव, 121 करोड़ मोबाइल फोन, 100 करोड़ आधार और 50 करोड़ इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाले लोगों के साथ भारत दुनिया में प्रौद्योगिकी के साथ सहजता से जुड़ी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। आप समझिए कि हर किसी में, मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास स्मार्टफोन ना हो। अब आप किसी के पास भी जाइए, गांव में भी जाइए तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है, समझ रहे हैं? मतलब हर कोई, अब वो हर कोई नहीं बचा आज से 10-20 साल पहले वाला, अब हर कोई बराबर चल रहा है आपके साथ। आप भी फोन चला रहे हैं तो उनके पास भी, बस फर्क इतना है कि वो दिन भर फेसबुक यूट्यूब पर देखने में निकाल देते हैं 1 जीबी 1.5 जीबी आप अपना काम करने में। आप एक चीज सुधार, वर्तमान में डिजिटल क्षेत्र में विचाराधीन 3 लंबित सुधारों को अपनाने का सही समय है।
जिससे आने वाले वर्षों के लिए डिजिटल सेवाओं में भारत के विकास पिछड़ेपन को प्रभावित करने की संभावना है। ये तीन सुधार इस प्रकार हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक। भारत सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया था। विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है, जहां विधेयक में शामिल बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून एक व्यापक कानून है जो व्यक्तियों को इस बात पर अधिक नियंत्रण देने का प्रयास करता है कि उनका व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्रित, संग्रहित और उपयोग किया जाता है। एक बार पारित होने के बाद यह कानून वर्तमान भारतीय गोपनीयता कानून में भारी सुधार का वादा करता है, जो कि अपर्याप्त और अनुचित रूप से लागू किया गया है। ई कॉमर्स नीति। ई कॉमर्स नीति ई कॉमर्स के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण, डेटा गोपनीयता, हितधारकों हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने जैसी समस्याएं पटल पर आती रही हैं। इन्हीं समस्याओं हेतु उचित समाधान प्रस्तुत करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति एक रणनीति तैयार करती है। यह नीति घरेलू निर्माताओं और सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों के हितों को भी ध्यान में रखती है, साथ ही ऑनलाइन बाजार को उनके लिए बराबरी का क्षेत्र बनाना चाहती है। फिर आपका सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की प्रस्तावित संशोधनों जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर गैरकानूनी जानकारी उपलब्ध कराने का वाले प्रवर्तक का पता लगाने और ऐसी सूचनाएं अधिसूचित होने के 24 घंटे के बाद इस तरह की सामग्री को हटाना अनिवार्य करती है का मसौदा जारी किया है। इसमें प्रस्तावित प्रावधानों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन करने की आवश्यकता है। याद रखिए, हम वैसे साइबर सुरक्षा पे बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आप इतना याद रखा करिए इसमें कि आप अपनी तरह से अगर कहीं बैंक वाले का फोन, बैंक वाला बनकर फोन आता है, एटीएम कार्ड का नंबर पूछता है, तो मत बताया करिएगा। फिर ओटीपी आ जाता है, वो भी बता देते हैं आप। इसके बाद नहीं रोक सकते हैं साइबर को, ठीक है, आपका पैसा चोरी होगा। तो इसलिए इतना तो साक्षर रहिए कि इस समय में अगर एटीएम आपका बंद हो जाता है तो कौन बैंक वाला अपने तरफ से कॉल करेगा, आपको खुद जाना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो चलिए, ये थी डिजिटल सेवाओं में सुधार का समय क्यों महसूस किया जा रहा था उसी से संबंधित आर्टिकल।